हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल डिंग कुछ हमारे सभी का स्वागत है। तो आज का पूजा है माँ कात्यायनी देवी का और आज का कलर है रेड। मैंने दो दिन अपने ब्लॉग को स्किप किया है, मैंने नहीं बनाया था मैंने, लेकिन मैंने उस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं रखा था, इस वजह से मैंने उस ब्लॉग को ही खत्म, मतलब मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि दो दिन है ना मैं ऐसे पता नहीं किसका मुँह देख के उठती, मेरा मूड ही अच्छा नहीं होता, पूरे दिन ही मेरा ख़राब हो जाता है। तो स्टार्टिंग का जो दिन होता है उसमें मैं ब्लॉग बना पाती हूँ, उसके बाद जो मेरा दिन होता है वो मेरा ऐसे ही गुजर जाता है, इधर उधर में टेंशन में। तो मैंने नहीं बनाया। तो अब आधे दिन का क्या रखूँ, एक बार दो बार का ब्लॉग क्या रखूँ। तो आप लोग भी ऐसे क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा आप लोग भी सोचेंगे कि क्या कुछ भी बोलने आ जाती है ऐसे बोरिंग सा टॉपिक लेके। तो मैं सोची कि चलो मैं उस ब्लॉग को ना ही रखूं। तो दो दिन का ब्लॉग जिसमें कि एक दिन माता कुष्मांडा का पूजा था उस दिन का था, एक स्कंद माता का पूजा था उस दिन का था। तो मैंने सोचा कि चलो दो दिन का पूजा का ब्लॉग मैं स्किप कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, क्योंकि पूजा का ब्लॉग तो मैंने बनाया था लेकिन पूरे दिन का मैंने ब्लॉग नहीं बनाता। तो मैं उस ब्लॉग को हटाई दिन नहीं रखी और आज मैं सोची कि चलो आज मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आज मंगलवार है, आज मेरा व्रत भी है, थोड़ा सा इधर उधर तो जाना ही होगा, क्योंकि आज अगर मैं बाहर नहीं निकली ना तो छोटा मोटा सब शॉपिंग है ना मुझे करना है, गांव के लिए भी करना है और अपने लिए भी करना है कुछ। तो मैं सोची कि चलो आज का मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैं घर से बाहर जाऊँगी तो सही रहेगा, थोड़ा सा ब्लॉग बाहर का भी आ जाता है तो ठीक ही रहता है। और आज का कलर रेड रहेगा तो मैं, और आज बजरंगबली का भी दिन है, तो आज मंगलवार के दिन तो वैसे भी लोग बजरंगबली के लिए मतलब खुश करने के लिए मंगलवार को रेड ड्रेस लगाते हैं, रेड साड़ी पहनते हैं। तो मैं आज रेड साड़ी पहनने वाली हूँ। रेड साड़ी तो आसानी से रहते ही है सबके पास, रेड साड़ी को दिक्कत आई थी व्हाइट साड़ी के लिए। तो आप लोगों ने मेरा रील देखा होगा, क्योंकि मैं जब रील बनाती हूँ तो दोपहर के टाइम में बनाती हूँ और उसको अगले दिन अपलोड करती हूँ, वो रील भगवान का जो रहता है, भक्ति भजन का जो रहता है उसको मैं अगले दिन अपलोड करती हूँ। तो वो मैं आज सोच रही थी कि मतलब आप लोग तो जानते होंगे ना कि जो नवरात्रि का मंगलवार होता है ना वो करना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, करना चाहिए। तो मैं बहुत साल से कर रही हूँ, हमारी सासू माँ बता देती है कि नवरात्रि का मंगल, मतलब याद दिला देती है, वैसे तो याद ही रहता है मुझे, ये तो मेरी शादी हुई तब से मैं कर रही हूँ, लेकिन उनका फर्ज है तो वो बोल देती है करके कि मंगलवार कर लेना, कोई भी व्रत रहता तो हमारी सासू माँ हमको याद दिला देती है कॉल करके कि आज मंगलवार कर। लेकिन बैठे बैठे पायल भी खुल गया मेरा। मैं सोचती हूँ कि झुनर झुनर वाला जो पजेब होता है ना मैं वो पहन लूँ, वो पहन के ना एकदम छन 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 बजता, तो जहाँ जहाँ जाती हूँ शोर मचता रहता है। तो अभी मैं गांव भी जाऊंगी ना तो वो पायल हमेशा रखा रहता है पजेब, तो मैं उसी को पहनूंगी, छन 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 छन। और गांव में जब बहुएँ आती हैं और चूड़ी और पायल खनकते तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी उस शोर से खुद इरिटेट होती रहती हूँ, लेकिन कोई भी नहीं ये भी सही है ये भी सही है, उसको ही पहनूंगी। अभी मैं इस पतले वाले पायल को अपने पर्स में रखूंगी कि अगर मुझे वो दिक्कत दे तो मैं फिर ये पहनूंगी, क्योंकि मैं खाली पैर नहीं रहती, मुझे नहीं पसंद है खाली पैर रहना। मैं बचपन से ही पायल पहनती हूँ, मुझे पायल बहुत पसंद है, हमेशा पायल पहन के रहती हूँ। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, उसके बाद पूजा का साफ सफाई सब कुछ करके फिर नहाने जाऊंगी, उसके बाद मैं पूजा पाठ करूंगी। यही सब करते करते मेरा दोपहर हो जाता है, दिन बीत जाता है, आधा दिन मेरा यही ऐसे ही चला जाता है। तो गाइस, आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, आज मैं पूरे दिन आप लोगों को बोर करने वाली हूँ दो दिन का ब्लॉग आप लोगों को बाकी है ना, तो इसी ब्लॉग में आप लोगों का दिमाग खराब हो कर दूंगी बोल बोल के। और आप लोगों को देखना है हमारा ब्लॉग स्किप नहीं करना है, आप लोग दर्शन कर लीजिए हमारी माता रानी का। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव की छालों को,
गैस अभी का जो दिन है ना आप भजन कीर्तन के कर लीजिए, भगवान के नाम का माला जप लीजिए। कल को पता नहीं कैसा मूड रहेगा आप लोगों का, तो अभी नवरात्रा का टाइम है, भर भर के भजन गाइए। मैं तो आपसे मैं बस भजन का ही वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, बस जितना मेरा रील आएगा ना सब भजन कीर्तन का ही आएगा भगवान का। आप लोग भी सुन के ना प्रसन्न हो जाएंगे कि चलो आ गए देवी जी भजन कीर्तन लेके। तो चलिए अभी बने नहीं हमारा अभी मतलब मेरा मूड बहुत खराब था ना, तो मेरा कुछ हंसने बोलने का मन किया ना, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया। और रात में मैं कचौड़ी बनाई थी, तो चलिए ये आप लोगों को कचौड़ी खाती शिवम बोला उसको ना, मतलब रात का कचौड़ी बहुत अच्छा लगता है। कचौड़ी बोलने का मतलब पूरी, सादा पूरी जो होता है ना, शिवम को बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि मम्मी मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा बना देना, वैसे टिकता नहीं बसता नहीं कम बनाती हूँ, तो उसने कहा मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा बना देना। तो मैंने ज़्यादा बनाया, तो अभी सब्जी बनाऊंगी, तो वो इस कचौड़ी के साथ है ना सब्जी खा लेगा अच्छे से मज़े से। मुझे भी बासी पूरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या है ना मेरा व्रत है आज, तो मैं इसको बस देख सकती हूँ, इसको मैं खा नहीं सकती हूँ। चलिए गाइस अब मैं काम करने जाती हूँ सीरियसली। तो गाइस रेड साड़ी में लोग है ना सुंदर ही लगते हैं ना, तो इसमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि मैं कैसी लग रही थी, मैं सुंदर ही लग रही थी। क्या बोलूँ तो अब मैं सुंदर लग रही थी तो लग रही थी, मुझे खुद अच्छा लगा खुद का चेहरा। खुद से अपनी तारीफ करनी चाहिए, खुद से भी अपनी तारीफ करनी चाहिए, दुनिया करे ना करे पता नहीं, क्योंकि ये क्या होता है ना दुनिया कभी कभी झूठ भी बोलती है, आपको खुश करने के लिए भी बोलती है, लेकिन आपको अगर आप खुद को प्यार करते हो ना खुद को पसंद करते हो तो बोल देना चाहिए कि हम भाई अपना सेल्फ लव भी बहुत जरूरी है। सेल्फ लव करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आपको पहले ऊपर रखिए उसके बाद कुछ। मैं खुद की मैं करती रहती हूँ, मैं जी मैं ऐसी मैं ऐसी। वैसे सब अच्छे होते हैं, सब अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, कोई खुद को ऐसा नहीं बोलेगा मैं गलत हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ, सब अपने आप को अच्छा ही बोलते हैं। तो खैर अभी जा रही हूँ किचन में, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहे हैं व्रत की वजह से, तो अभी मैं कुछ खाऊंगी उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो अभी हम हमारे सर कूलर चला के नीचे सोए, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे, सच में बहुत गर्मी है, पता नहीं मौसम कब चेंजेगा, लेकिन ये लास्ट गर्मी है। अब थोड़ा सा दिन बाकी है, सुकून मिलेगा फिर। हम शिवम के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये राजदेवी मंदिर है, कितना ज़्यादा भीड़ है। ये राजदेवी मंदिर के एंट्री करने वाला रास्ता है, तो क्योंकि शिवम अंदर नहीं गया तो वो बाहर से वीडियो लिया, वीडियो लेने लायक जैसा नहीं था, इतना भीड़ था ना कि समझ नहीं आ रहा था कि पूजा पाठ कैसे होगा यहाँ पे, पूजा करने वाले से ज़्यादा लोग तो देखने वाले थे। फिर हम वहाँ से दर्शन करके आए यहाँ पे, हमारे सासू माँ के लिए और पूजा के लिए हमको साड़ी ख़रीदना था कॉटन का, बाकी तो साड़ी में की कमी नहीं हमारे पास, लेकिन कॉटन की साड़ी हमारे पास नहीं है एक भी, तो यहाँ पे कॉटन की साड़ी लेने आए थे। यहाँ जानकी मंदिर के पास ही ये शॉप है, वहाँ से होके बस शिवम को लस्सी पिला दी क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी थी, बेचारा परेशान हो गया था गर्मी से। उसके बाद फिर हम आ गए राम मंदिर, यहाँ पे भोला बाबा को साँस दिखाया, हम बोले जब साँस देने आए हैं तो हम हर जगह साँस दिखा देते हैं। हम थैला में लेके गए थे, दीप बाती लेके गए थे, दीप लेके गए थे, तेल लेके गए थे, सब कुछ लेके, अगरबत्ती सब कुछ लेके गए थे हम मंदिर में। तो हर जगह पे यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, तो हम बजरंगबली के मंदिर में भी दीप दिखाएं,
बहुत सुकून मिलता है हमको जब ऐसे व्रत करके ऐसे दर्शन करते हैं। लेकिन व्रत करना मेरे बस में नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है व्रत करके पूजा पाठ करना, मंदिर वंदिर जाना। तो ये मौका मुझे बहुत कम मिलता है, तो इस मौका को मैं कैसे छोड़ दूँ। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे झूल रहे, बहुत सारे झूले लगे हुए थे, लेकिन मेरा ये जो बच्चा है ना, ये किस टाइप का है पता ही नहीं, इसको झूलों वूलों से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं अन्नपूर्णा मंदिर आई, यहाँ पे थोड़ा सा कम भीड़ था, तो यहाँ पे भी अब सोची कि अन्नपूर्णा मंदिर भी दीप दिखाती हूँ, क्योंकि कभी आने का मौका नहीं मिलता है ऐसे दीप वीप लेके। मैं कभी मार्केट निकलती नहीं हूँ, लेकिन आज व्यवस्था के साथ मैं ये देखिए दर्शन कर लीजिए आप लोग, अन्नपूर्णा माता है ये। शिवम खिड़की से लिया इनका वीडियो थोड़ा सा, तो बाकी चारों साइड दीप लगी हुई है। शिवम पसीना से तड़बड़ हो गया था बेचारा, बोला था मम्मी चलिए अब कहाँ जाना है आपको दर्शन करने। लेकिन एक जगह और था जो हमको बत्ती दिखानी थी, तो हम लोग अपने चौक पे पहुँच गए। यहाँ पे दुर्गा मंदिर है जहाँ पे हम झिझिया देखने जाते हैं डेली, उसका ब्लॉग रखते थे रात के टाइम में। तो ये देखिए वो भी चौक का मंदिर है, दुर्गा मंदिर में हम लिए हैं। यहाँ पास में है तो लेती रहती हूँ, आती रहती हूँ, तो हर बार एक बार ले ली वीडियो तो बार बार लेना ठीक नहीं लगता मुझे। तो हम लोग अपने घर जा रहे बातचीत करते करते, लेकिन शोर शराबा इतना हो रहा था ना कि हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए हम सोचे कि घर आते ही ना मुझे सबसे पहले हमारे पतिदेव को नाश्ता देना पड़ा, फिर उसके बाद हमको खाना बनाना पड़े। नहीं खाना नहीं बनाई, पहले मैं आई तो वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने साड़ी वेयर किया था, तो मैं सोची कि अभी साड़ी फिर से चेंज करूं, फिर कल वीडियो बनाऊं, इससे अच्छा मैं साड़ी चेंज कर मतलब पहले वीडियो बना लेती हूं। दो चार वीडियो जो मुझे बनाना था, क्योंकि एक ही लाल साड़ी में मैं आज वीडियो बनाई थी दो तीन, तो एक ही टाइप का रखते रखते ऐसा मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, तो मैंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं जब साड़ी पहनी थी तैयारी थी तो वीडियो बना ली, और अच्छा लग रहा था साड़ी का कलर भी। मुझे ये साड़ी है, मुझे किसी ने दिया है, अब कौन दिया है ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग समझ जाइए। मैं गई थी घूमने के लिए पुणे से कहाँ, अब आगे मैं समझाऊंगी नहीं, अब बाकी आप लोग खुद समझ जा रहे, होशियार हैं आप सब होशियार हैं। तो चलिए मेरा चावल भी बन गया, और अब मैं जाऊंगी कुछ देर के बाद बैंगन का पकौड़ा बनाने, क्योंकि मुझे बैंगन की पकौड़ा बहुत पसंद है। लेकिन ये वीडियो मैं यहीं तक रखूंगी, इसके आगे मैं वीडियो नहीं चलाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, और जब वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को भी बोर लगेगा, बोलेंगे कितना लंबा वीडियो बनाइए सुबह से शाम तक का। तो मेरा रूटीन लगभग आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन क्या होता है, मैं अकेले सब भाग दौड़ करती हूँ, और अच्छा लगता है। मैं अपना बिजी रहने का कोशिश करती रहती हूँ, मुझे ना फालतू चीज़ें सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, और मुझे टाइम निकालना भी नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में अगर किसी चीज़ का वो बन जाता है ना कि अब मुझे इस चीज़ का टेंशन है, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता, फिर मेरे चेहरे पे एकदम मायूसी सी छा जाती है, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा रोती रहूँ, मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर इसलिए मैं ना, मुझे कोई भी चीज़ हर्ट करता है ना, तो उसको चेंज करने के लिए, उसको अपने दिमाग से हटाने के लिए मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, इतना बिज़ी रखती हूँ कि वो चीज़ मेरे दिमाग पर हावी नहीं होता, वो चीज़ को मैं फिर नहीं सोचती हूँ। बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो आपको हर्ट करती है, लेकिन ठीक है ना, अब सब आप ही की तरह सोचेंगे, आप ही की तरह रहेंगे, आप ही के जैसे रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब अपने तरीके से रहते हैं, तो किसी को क्या शिकायत करना, आपका काम है आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ना है, तो चलिए कोई बात नहीं। कहीं तो सुनी थी मैं एक जगह कि आपके साथ जीवन भर कोई नहीं रहता, ना ही माँ बाप रहते हैं, ना ही आपके फ्रेंड रहते हैं, ना ही भाई बहन रहते हैं, ना ही हस्बैंड रहते हैं, ना ही पत्नी रहती है, कोई रिश्तेदार कोई नहीं रहता। अगर रहता है कोई तो खुद आप, आपका कर्म, आप जो करती हो, जो आपका कर्म है वो आपका साथ देता है, वो आपका हमेशा आपका रक्षा करता है, आपको बचाता है, आपको
अगर डुबाता भी है तो वो आपका कर्म है। तो यही चीज़ आपके साथ रहता है ताकि आपको वो उस चीज़ के सहारे चलना है। अगर कुछ चीज़ें छूट जाए रास्ते में, अगर कुछ चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाए, तो आपको खुद हिम्मत करना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद उठना पड़ेगा, खुद गिरने नहीं देना है किसी से, मतलब किसी को गिराने नहीं देना है। अगर कोई गिराया ना तो उठने की क्षमता भी खुद रखनी चाहिए। तो मैं क्या ही बोलूँ अब आप लोगों को, बस इतना ही बोलूँगी कि अगर किसी से प्यार करो तो आप खुद से प्यार करो। पहले पहला प्यार आपका अपना खुद सेल्फ होना चाहिए, सेल्फ लव करो, बाकी तो मोह माया है। मोह माया में मत पड़िए और चलिए किचन में खाना बनाने। तो ये ब्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल हम जाएंगे गांव, और आज बहुत लोगों ने हमारे वीडियो पे ऐसे मैंने पूछा कि बेस करिए ये किसके लिए गाना है, तो जरूरी है कि एक सर हमारे सर के लिए, और हमारा गांव जाना है। अभी सबको पता है, जो हमारे फैमिली मेम्बर है सबको पता है कि हम गाँव जाने वाले हैं, लेकिन गाँव हम आज नहीं गए, कल जाएंगे। आज हम मार्केट का कुछ काम था हमारा, और व्रत करके हमको संध्या आरती देना था हर मंदिर में। सब मंदिर में हम आरती दिए, मतलब धूप दिखाए सब जगह। मन बहुत खुश हो गया पूजा करके, क्योंकि घर से बाहर निकल के पूजा करने का मुझे टाइम नहीं मिलता था शाम के टाइम को। तो आज मैं आधा खाना दिन में ही बना ली थी, और आधा खाना आई तो बनाई, आधा पे मेरा खाना हमेशा अटका रहता है। तो कोई बात नहीं, चलिए, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। तो यही मान के चलते हैं। शुभ रात्रि, आप लोग भी आराम कीजिए, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। और कल का सफ़र हमारे गाँव का भी रहेगा, आधा जनकपुर का भी रहेगा। तो खूब सारा प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को, हमारा मेहनत, हमारे ब्लॉग में आपको सिर्फ हम ही मिलेंगे और कोई नहीं। लेकिन गाँव में जाऊंगी तो मेरी सासू माँ रहेगी, सब रहेंगे, तो देखने को मिलेगा आप लोगों को कुछ नए नए चेहरे। तो चलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ हमारे पीछे रहती, हमारे सत्य उनका हाथ रहता है। बाय बाय।